वेलकम टू माय चैनल माझी वेटनरी में आपका स्वागत है। जैसा कि आप फोटो देखकर जान गए होंगे कि आज हम किसके बारे में बताने जा रहे हैं, भैंस के दूध का इंजेक्शन। भैंस के दूध का इंजेक्शन हम कब प्रयोग करते हैं? भैंस ने बच्चा दिया, गाय ने बच्चा दिया, किसी कारणवश गाय भैंस के शरीर से दूध बाहर नहीं आ रहा है, या शरीर में दूध है लेकिन भैंस खड़ी नहीं हो रही है, तो वहाँ पर हम क्या करते हैं? लाते हैं इंजेक्शन, लगाते हैं पट्ट से और दूध निकाल लेते हैं। इसी कारण इसको दूध के इंजेक्शन के नाम से ज़्यादा जाना जाता है। क्या? दूध के इंजेक्शन के नाम से। लेकिन क्या आपको पता है यह इंजेक्शन दूध का इंजेक्शन नहीं है, यह एक बहुत ही जीवन रक्षक दवा है, बहुत ही जीवन रक्षक दवा है, और इसी कारण पूरा विश्व इसको बंद नहीं कर पा रही है। नहीं तो क्या होता, बंद कर देती, क्योंकि जितना फायदा नहीं उतना नुकसान है। लेकिन जीवन रक्षक दवा का मतलब आप जान लीजिए कि यह जीवन की रक्षा करता है। नहीं तो कितने भी पशु, साथ में मनुष्य भी मौत का शिकार हो जाते। तो आपको बता दें, हार्मोन इंजेक्शन नहीं है। यह मुख्यतः मादाओं पर काम करता है, चाहे ह्यूमन में हो, एनिमल में हो, वेटनरी में हो या वनस्पति में हो। तो हम आपको एक चीज़ और बता दें, ह्यूमन में लोग यूज करते हैं। कहाँ यूज करते हैं? लवे इंजेक्शन नाम से जानते हैं। कभी कभी समाचार पर आया, पकड़ा पकड़ा भी गया है। किस चीज को बढ़ावा देने के लिए इसका प्रयोग करते हैं, महिलाओं पर लगाते हैं। यह काम कैसे करता है भी आप वीडियो में जान जाएंगे कि बढ़ावा किस कारण देते हैं। और वनस्पति में भी सब्जियों को बड़ा करने के लिए, अर्थात अगर आपका कद्दू इतना बड़ा है, इंजेक्शन लगा दिए, यही इंजेक्शन है, दूसरा नहीं। भैंस का इंजेक्शन, सब्जी का इंजेक्शन या लब इंजेक्शन, सब में अलग अलग नाम से जाना जाता, हार्मोन वही है। लगा दीजिए तो आज इतना बड़ा है तो कल इतना बड़ा हो जाएगा। तो आपको बता दें, अगर किसी चीज़ को हद से ज़्यादा, आप कहें ताकत की दवा है, नहीं, अगर किसी चीज़ का डोज हद से ज़्यादा हो गया तो वह नुकसान करता है। अब इतना बड़ा कद्दू आप ले लीजिए, इतना बड़ा हो गया एक दिन में, तो नुकसान नहीं करेगा? करेगा। तो अब आपको हम ले के चलते हैं सीधे अपने विषय की तरफ। अगर हमारे चैनल पे आप नए हो तो सब्सक्राइब कर लीजिए। तो बच्चा देने के लिए या प्रेग्नेंट होने के लिए मादाओं के शरीर में, गाय भैंस के शरीर में, बकरी के शरीर में हाइड्रोप्रोस्टान हार्मोन, ऑक्सीटोसिन हार्मोन का एक बैलेंस होता है। अगर शरीर में किसी भी हार्मोन की डिसबैलेंसता हो जाती है तो बच्चा देने में दिक्कत करता है। मान लीजिए कि अगर गाय भैंस के शरीर में जो आपको बच्चा देना है, ऑक्सीटोसिन हार्मोन की अधिकता हो गई तो दोबारा प्रेग्नेंट नहीं होगा, क्योंकि हाइड्रोप्रोस्टान हार्मोन जब कम मात्रा में हो जाएगा, ऑक्सीटोसिन ज़्यादा हो जाएगा तो बच्चा नहीं बनेगा। इसलिए गाय भैंस में दूध उतारते वक्त इस इंजेक्शन का प्रयोग ना करें, क्योंकि इंजेक्शन लगाएंगे तो दूध के माध्यम से उसका बच्चा पिएगा, और जब शरीर में अधिकता हो जाएगी तो क्या वह दोबारा प्रेग्नेंट होगा? अभी हम आपको बताएंगे कि जीवन में कितने बार दिया जाता है इंजेक्शन को। तो इस कारण आज हमारे समाज में पशु में बाचपन की शिकायत ज़्यादा हो रही है। यही नहीं, अगर घर की महिलाएं दूध पीती हैं तो
उनमें भी अधिकता होगा, तो यह समस्या होगी और हो रही है। तो चलिए चलते हैं, इसका प्रयोग कब किया जाता है इसको हम बाद में बताएंगे, लेकिन इससे पहले जागरूक के तौर पे हम आपको बता दें कि जो किसान भाई सब्जी में इसका प्रयोग कर रहे हैं और सब्जी आपके घर के लोग भी खा रहे हैं, तो जितना आप फायदा नहीं करेंगे उससे ज़्यादा नुकसान करेंगे। इसलिए समय समय पर देखा गया है कि कहीं कहीं पर पकड़ा गया है और सेक्स रैकेट बढ़ावा देने के लिए लोग इसका प्रयोग करते हैं। अभी आप में हमने बता दिया कि इंजेक्शन इतना बड़ा कर देता है, सेम उसी तरह महिलाओं में भी, महिलाओं के शरीर का आकार उम्र के पहले बढ़ जाता है। तो सीधे तौर पर हम कहना चाहते हैं कि इस इंजेक्शन का प्रयोग दूध उतारने में ना करें। अब आप सवाल करेंगे कि आखिर में इंजेक्शन बना किस लिए है, तो आपको बता दें अगर यह इंजेक्शन ना होता तो पता नहीं कितनी जिंदगियां बर्बाद हो जाती। यह इंजेक्शन अभी हमने आपको पहले बताया है कि हाइड्रोप्रोस्टान हार्मोन और ऑक्सीटोसिन हार्मोन शरीर में एक बैलेंस मात्रा में रहता है। अब आपको बता दें बच्चा देने के समय, डिलीवरी के समय, चाहे ह्यूमन में हो, महिलाओं में हो या पशु में हो, जब ऑक्सीटोसिन हार्मोन की कमी आ जाती है तो और हाइड्रोप्रोस्टान हार्मोन बन जाता है तो रिलैक्सिन हार्मोन बनता है, तो रिलैक्सिन हार्मोन सही से नहीं बनेगा जिससे डिलीवरी में समस्या होगी और जिंदगियां भी ख़त्म हो सकती हैं। और रिलैक्सिन हार्मोन बच्चा देने के समय बनता है, डिलीवरी के समय बनता है, और जब ऑक्सीटोसिन और हाइड्रोप्रोस्टान हार्मोन बैलेंस में रहेंगे तभी, और देखा जाता है खिलाई पिलाई की कमजोरी से या भाग दौड़ की ज़िंदगी में खाद पानी ज़्यादा खाने से हार्मोन डिसबैलेंस हो जाते हैं, और जब हार्मोन डिसबैलेंस हो जाते हैं तो डिलीवरी के समय हम या ह्यूमन के डॉक्टर इस इंजेक्शन का देते हैं। ह्यूमन में भी दिया जाता है, वेटनरी में भी दिया जाता है, जिससे जब हाइड्रोप्रोस्टान और ऑक्सीटोसिन हार्मोन बैलेंस में होंगे, रिलैक्सिन हार्मोन बनेगा और बच्चा देने में आसानी होगी, इसी कारण नहीं बन पा रहा है। तो दोस्तों हमारा वीडियो आपको कैसा लगा, अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें और फेसबुक पेज पे फॉलो।